हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन। में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी पनीर बनाने का एकदम नया और बिल्कुल आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको देखिए इस तरीके से मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ये एक प्याज ली है और प्याज को भी देखिए मैंने यहाँ पर ये एक प्याज के चार हिस्से किए हैं और उसको फिर बीच से काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। साथ ही में आधा कप मटर ली है। मेरे पास जो मटर है वो फ्रोजन मटर है, अगर आपको फ्रेश मटर मिल जाती है तो आप वो ले लीजिए। सबसे पहले हम पनीर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और बहुत हल्का सा नमक डाल देंगे। और अब सभी को देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, पनीर के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए सभी मसालों की। इस तरीके से हमें मिक्स करना है और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इन्हें स्पून की हेल्प से भी देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मिला सकते हैं, सभी मसालों की पनीर के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए, इतना हमें इनको मिक्स करना है। और ये देखिए पनीर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कोट हो गया है सभी मसालों के साथ। तो चलिए इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और अब देखिए हमने गैस पर एक पैन को रख लिया है और उसमें 2 चम्मच के बराबर हमने तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये प्याज के पीस काट कर रखे थे उनको हम पैन में डाल देंगे और अब चलाते हुए हम इन्हें हल्का हल्का भून लेंगे। हल्के से सॉफ्ट होने तक हम इनको यहाँ पर भूनेंगे और प्याज भी अब सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, सारे प्याज को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इधर देखिए पनीर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसको भी हम भून लेंगे। तो इसको हमने पैन में डाल दिया है और अब देखिए पनीर को भी हम बहुत ही हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेंगे। इस तरीके से पनीर भूनने से क्या हुआ कि जो हम सब्जी बनाएंगे पनीर की वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो चलाने से टूट जाता है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही हल्के हाथों से भूनेंगे। और देखिए पनीर भी अब बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है, इस पर देखिए चारों तरफ हल्के हल्के स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। तो पनीर अच्छे से भुन गया है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको रख देते हैं एक साइड। तो यहाँ पर देखिए गैस पर हमने फिर से एक कढ़ाई रख दी है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और उसमें अब हम प्याज डालेंगे। तो ये वही प्याज है जो हमने काटी थी, उसके ऊपर का पार्ट हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और ये अंदर का पार्ट है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने ये 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज की, तो चलिए इनको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। हल्का हल्का हमको यहाँ पर इनको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको भी डाल देंगे। और 8 से 10 काजू लिए हैं, इनको भी डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इन्हें सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और अब देखिए यहाँ पर प्याज जो है वो हल्की हल्की सॉफ्ट होने लग गई है और लहसुन भी भुनने लग गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हमने यहाँ पर मोटा मोटा रफली काट लिया है। और बहुत हल्का सा यहाँ पर नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को देखिए हमको यहाँ पर भूनना है। इन्हें हम जब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं, टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो जाएं जब तक हम इनको यहाँ पर भूनेंगे। तो चलिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इनको हम ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में इसका ढक्कन हटाकर हम चेक भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टमाटर हैं वो भी हल्के हल्के सॉफ्ट होने लग गए हैं। अभी हम इन्हें कम से कम 2 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारे टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए इनको एक बार और ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। और अब देखिए 2 मिनट के बाद टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। तो चलिए अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं, तो चलिए अब इसको एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए सभी मसालों को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डाला है और 2 चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे। जी हाँ, देसी घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। और अब घी भी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें हम एक साबुत मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 3 लौंग डाल देंगे, 3 हरी इलायची डालेंगे, 7-8 काली मिर्च के दाने डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और सभी मसालों को हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसमें हमने जो प्याज टमाटर वाला पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको देखिए इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे।
तो इसी टाइम पर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अब सभी को चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर सभी मसालों को लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि मसाले हमारे जितनी अच्छी तरीके से भुनेंगे ना सब्जी भी हमारी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और अब देखिए मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुनने शुरू हो गए हैं, ये देखिएगा बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आने लग गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें मटर डाल देंगे, मटर को पहले हमने गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, उसके बाद ही हमने इसमें डाला है और अब चलाते हुए हम इसको भी मसालों के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। तो चलिए हम फिर से मसालों को ढककर कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। और अब देखिए मसालों को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमने इसका ढक्कन हटाकर चेक किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे देखिए यहाँ पर मसाले भुन गए हैं। ये देखिए इनमें तेल भी अलग होने लग गया है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी निकल कर आ रही है। और जो हमने इसमें मटर डाली है वो भी 5 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो इस टाइम हम इसमें डालेंगे दही, तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे और दही हमारी बिल्कुल फ्रेश है, दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही डालने से हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी मसालों के साथ, लगातार चलाते रहेंगे, बीच में हाथ नहीं रोकना है बिल्कुल भी। और अब देखिए दही भी मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है। तो हमने जो प्याज भुनी थी पीसेज में उसको भी हम इस टाइम इसमें डाल देंगे और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी मसालों के साथ अच्छे से भुन चुकी है। तो इस टाइम हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सब्जी में और इसको भी अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें 3 से 4 चम्मच क्रीम डालेंगे, आप अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर घर की मलाई का यूज किया है। और इसको भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़े से पनीर को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा पनीर हम यहाँ पर ग्रेट कर डालेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनकर तैयार होगी। तो इसको भी सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये देखिए हमारे मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। ये देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं, मसालों ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पर हम इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर को हल्के हाथों से चलाते हुए हम 2 मिनट तक भून लेंगे सभी मसालों के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर तक अच्छे से चला जाए। और अब देखिए पनीर को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी आप इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है और अब अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हल्के हाथों से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे और अभी से देखिए ग्रेवी का जो टेक्स्चर है बहुत ही बढ़िया आया है और कलर भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर मैं लगभग 1/2 कप के बराबर दूध डाल रही हूँ, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और चलिए इसको भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ और लगातार चलाते रहेंगे वरना दूध फट जाएगा। तो इस टाइम पर हम इसमें एक हरी मिर्च डाल देंगे चीरा लगाकर, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा चटपटा ना खाना चाहें तो इसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डालेंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे और ढककर हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ें पकी हुई हैं तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसको ढक देते हैं। तो चलिए 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और वाओ, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये देखिएगा कितना बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो है ना एकदम आसान, देखिए कितने आसान तरीके से हमने एकदम सुपर टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बनाकर तैयार की है और एकदम बिल्कुल नए अंदाज में बनाकर तैयार की है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई मटर पनीर की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।